नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं तरुण पांडे जी, जिन्होंने MA हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक हासिल की और इन्होंने BHU में भी फर्स्ट रैंक हासिल की और अंततः इन्होंने JNU में एडमिशन लिया। तो चलिए हम इनसे इनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने तैयारी कैसे की और क्या फोकस में रखा तैयारी करते वक्त। नमस्कार तरुण जी, बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार भाई, धन्यवाद। तो तरुण जी, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में टॉप करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, अच्छा लगता है, ऑब्वियसली अच्छा लगता है, पर बहुत ही मोमेंट्री सी फीलिंग होती है। अब महीने हो गए हैं, अब उतना अच्छा नहीं लग रहा है। एडमिशन ले ली है, अब तो नॉर्मल से ही लाइफ है, अब तो कुछ बहुत स्पेशल नहीं लगता उसके बारे में। तरुण जी, आप BHU में 3 साल रहे, आपने यहाँ के हॉस्टल लाइफ को जिया, तो ये बताइए कि JNU जो है BHU से कितना अलग है? जी, मैं रहा हूँ BHU में 3 साल, हॉस्टल में भी रहा हूँ। काफ़ी बेहतर है BHU कई मायनों में। अगर आप देखें तो आपको पढ़ने के लिए समय मिलता है, लीजरनेस रहती है, आप एकेडमिक के अलावा कुछ और चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोर्सेज से बाहर भी। तो BHU काफ़ी बेहतर है, आप फ्लेक्सिबल काफ़ी रहता है BHU के तहत। जहाँ तक JNU करिकुलम का सवाल है तो काफ़ी रिगरस रहता है, टीचर काफ़ी पर्सनलाइज तरीके से अपना कोर्सेज वगैरह को रन करते हैं। है, दोनों में काफ़ी अंतर है, लेकिन दोनों ही बेहतर हैं, ऐसा कुछ इसमें अंतर नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ किसी को। तरुण जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने हैदराबाद, BHU, JNU सभी जगह टॉप किया, लेकिन एडमिशन के लिए BHU के बजाय आपने JNU को क्यों चुना? जी, जैसा कि मैंने बताया, मैं 3 साल BHU में रहा हूँ, बनारस भी मैंने काफ़ी घूमा, लेकिन अब आगे एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए मैंने कहा कि दिल्ली जाना बेहतर रहेगा, और JNU का भी कुछ प्रतिष्ठा है जीवन में, और इसके अलावा मुझे आगे तैयारी भी करनी है, तो दिल्ली जाना वाज बेस्ट ऑप्शन। तरुण जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बेहतर सफलता के लिए कैसे पढ़ा जाए, और आप अपने स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि आपने कौन कौन से बुक फॉलो किए, ये भी बताइए। जहाँ तक बुक्स का बात किया जाए तो मेरा भी टैली वही रहा है जो आमतौर पर सभी लोगों का होता है। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था तो मैंने केशव श्रीवास्तव से शुरुआत किया, और उसके बाद मैंने जब मीडियम चेंज किया तो उपेंद्र सिंह का बुक पढ़ा, और हाल ही मैंने एक नया बुक भी डिस्कवर किया है, पप्पू सिंह प्रजापत का, काफ़ी कॉन्सेप्चुअली काफ़ी अच्छा बुक है, बहुत ही क्रिस्प टाइप का नॉलेज रहता है इसमें, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आप भी। और मिडाइवल में अगर आप देखा जाए तो सतीश चंद्रा का बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 पार्ट्स में आता है, विबल की बुक है लेकिन कंसेप्चुअली बहुत ही क्लियर देता है आपको। और मॉडर्न इंडिया की बात किया जाए तो वहाँ शेखर बंदोपाध्याय का बुक मैंने पढ़ा, उसके बाद सुमित सरकार का बुक भी मैंने पढ़ा, और वर्ल्ड हिस्ट्री का बात जहाँ तक किया जाए तो वहाँ पर मैंने जॉन मेरिमन का बुक पढ़ा है, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। हालांकि बुक का नाम मॉडर्न यूरोप है, लेकिन हमारी हिस्ट्री इतनी, वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी यूरोसेंट्रिक है कि काफ़ी कुछ कवर कर देता है आपको वो। और इसके अलावा मैंने एक हाल में बहुत ही पिक्यूलर चीज़ ढूंढी है, लैंकेस्टर पैम्फलेट्स करके एक प्रकाशन है जो अच्छा टॉपिक्स पे नॉलेज देता है, हालांकि नैरो है टॉपिक्स लेकिन बहुत ही डीप नॉलेज देता है आपको। और जहाँ तक बात किया जाए चाइनीज़ और जापानीज हिस्ट्री का, तो वो इग्नू वगैरह के नोट्स से आप चला सकते हैं, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, तो तरुण जी, आप JNU BHU के पैटर्न के बारे में समझाइए और तथा क्वेश्चन के टाइप के बारे में भी दोस्तों को अवगत कराइए। देखिए, जहाँ तक पैटर्न का बात है तो JNU और BHU के पैटर्न में काफ़ी अंतर है, तो आप सभी जानते हैं JNU का पैटर्न काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का नॉलेज मांगता है आपसे, और आपको अगर कॉम्प्रिहेंशन आता है आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ ही आपको आंसर देना पड़ेगा। और जहाँ तक BHU का सवाल है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, कभी टफ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ही, कभी ईजी रहते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी बार काफ़ी अच्छा तरीके से आया था। और जहाँ तक बात किया जाए JNU का, वहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्चुअली काफ़ी क्लियर रहना पड़ेगा। दोनों ही अलग हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो दोनों ही आप बड़े आराम से सक्सीड कर सकते हैं दोनों में ही। अच्छा, तो तरुण जी, JNU का पेपर तो इंग्लिश मीडियम में होता है, तो क्या इंग्लिश मीडियम का कॉम्प्रिहेंशन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है? जी, JNU का पेपर तो इंग्लिश में ही होता है ऑब्वियसली, और चूंकि काफ़ी कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा 3 घंटे में 100 क्वेश्चन, और कॉम्प्रिहेंशन एक पेज या 2 पेज के भी हो सकते हैं कई बार, तो आपको मीडियम भी चेंज करना पड़ सकता है, ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा। मैंने भी मीडियम चेंज किया था अपना 1-2 साल पहले लगभग, और हिंदी मीडियम के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ही डिसएडवांटेज तो रहता ही है JNU के पेपर अगर देखा जाए तो। तरुण जी, एक क्वेश्चन ये है
कि हिस्टोरियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस जो है पेपर में आए थे, तो उसके लिए आपने कहाँ से तैयारी की थी? देखिए, जहाँ तक हिस्टोरियोग्राफी का सवाल है तो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी से ही क्वेश्चन आते हैं, बीएचयू में तो खास आते भी नहीं है, और लेकिन डीयू में आते हैं काफ़ी क्वेश्चन। तो ईवी श्रीधरन का जो बुक है उसमें जो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का पार्ट है, लास्ट पार्ट जो उसका है, वो काफ़ी बल्कि है और बहुत ही नॉलेजेबल है, आपको काफ़ी उसमें ज्ञान मिलेगा। अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो उसके बाहर से तो मुझे नहीं लगता है कुछ आने वाला है कहीं से भी। तरुण जी, पेपर में कुछ टर्मिनोलॉजी आते हैं, तो उसके लिए मतलब बच्चे कहाँ से देखें, विद्यार्थी कहाँ से देखें उन टर्मिनोलॉजी को सॉल्व करने के लिए? जी, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में टर्मिनोलॉजी का काफ़ी यूज़ रहता है। अगर आप देखें तो जो भी टर्मिनोलॉजी रहेगी, रेवेन्यू का रहे या फिर एंशियंट या फिर मिडाइवल में किसी भी तरीके का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छी बुक्स जो होती हैं उनमें ग्लॉसरी के तरीके से होता है काफ़ी सारा टर्मिनोलॉजी के बारे में, इसको भी तैयार करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और आपको ग्लॉसरी से ही मिलेगा, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं इसके लिए। भाई, नोट्स मेकिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के तैयारी के लिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी की नहीं थी, और चूंकि हिस्ट्री सेम रहने वाली है, आंसर्स भी वही रहने वाले हैं सभी जगह, तो अगर आप होलिस्टिकली पढ़ते हैं उसको और सिस्टमेटिकली अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही काम देने वाले हैं। और नोट्स जब बनाइए तो उसमें थोड़ा गैप रखिए, अगर आप कहीं और सोर्सेस से आपको कुछ मिलता है तो उसको आप जोड़ पाएँ, कुछ उसमें अपना एनरिच कर पाएँ अपने सोर्सेज को, तो नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप आगे नेट वगैरह भी करना है आपको इसको लेके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है नोट्स मेकिंग। तो तरुण जी, आप ये बताइए कि जो टॉपिक जो है वो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए विद्यार्थी क्या करें? देखिए, जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रहे हैं उनके लिए इंटरनेट काफ़ी अच्छा सोर्स है। अगर आप देखें टेलीग्राम पर अगर आप डालें तो किसी भी टॉपिक को, तो उसमें आपको 10-15 आपको उसमें मिल जाएंगे नोट्स के, और सभी अलग तरीके मुख्तलिफ तरीके के होंगे, आपको बहुत ही नॉलेजेबल रहेंगे आपके लिए, आपके नोट्स में बहुत ज़्यादा वो आपको मदद करने वाले हैं। तो इंटरनेट का भी पूरा प्रयोग करें अगर आपको टेक्स्ट बुक में कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो। तो तरुण जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हिस्ट्री में मेनली क्या फोकस में रखकर पढ़ना चाहिए? देखिए, जहाँ तक फोकस का बात है तो केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री पे फोकस नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि सारा फैसिनेशन हम लोग राजाओं को लेके ही होता है हिस्ट्री, उसी से हम लोग शुरू करते हैं आमतौर से, तो केवल वो तक नहीं करना चाहिए, राजाओं उनकी लड़ाई बढ़ाई, और इसके अलावा जो जो पीरियड्स हैं, ब्रॉडर पीरियड्स हैं, उनमें जो थीम्स रहती हैं, जैसे कल्चरल अचीवमेंट्स रहते हैं, जो आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स रहते हैं और आर्किटेक्चर वगैरह है, इन सब पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इनके अलावा भी मतलब तो कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज रहना चाहिए। बात यह है कि केवल केवल एक ही आस्पेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए हिस्ट्री का, सभी को पढ़ना चाहिए, सभी का नोट्स बनाना चाहिए। तो तरुण जी, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने सफलता का श्रेय किसे देते हैं? जहाँ तक श्रेय का बात है वो तो मैं बीएचयू को ही दूंगा ऑब्वियसली, और अपने दोस्तों को भी। जैसे आप कोई नया आइडिया पढ़ते हैं, अगर आप उसको डिस्कशन के थ्रू समझते हैं, आप उसमें डिबेट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही समझ जो है बहुत आपकी मजबूत हो जाती है उसके बाद। और इसके अलावा प्रोफेसर्स भी, उन्होंने काफ़ी मदद किया, वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आपको पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से रेगुलरली, और बीएचयू का सिलेबस भी बहुत बेहतर है। अगर आप देखें तो 3 साल के कोर्स में आपको सब कुछ पढ़ा देता है, जो कुछ भी हिस्ट्री में आमतौर से पढ़ा जा सकता है, हिस्टोग्राफी भी सब कुछ ही पढ़ा देता है बीएचयू। तो अगर आप एकेडमिक भी वहाँ अच्छे से करते हैं, अकेडमिकली भी केवल आप क्लासेस वगैरह भी अच्छे से करते हैं, तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं जीवन में उसके बाद। तरुण जी, जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं वैसे वैसे विद्यार्थियों के माइंड में एक प्रेशर बिल्ट होने लगता है, तो वे प्रेशर से कैसे बचें, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, एग्जाम का प्रेशर तो बहुत ही यूनिवर्सल सा फिनोमेना है, सभी को होता है, आपने पढ़ाई की हो या ना की हो, प्रॉब्लम तो आपको होने वाली है एग्जाम के दिन। लेकिन प्रॉब्लम इससे नहीं है कि आपको एग्जाम के दिन अगर आपको कुछ एंगजाइटी वगैरह है या नहीं है, बात यह है कि एग्जाम के बाद आपका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आ रहा है। अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो एंगजाइटी तो सबको ही होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको फेमिलराइज हो इससे, इसको मतलब इससे बहुत ज़्यादा डरे नहीं, और यही सबको होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, तरुण जी के साथ बस इतना ही, धन्यवाद तरुण जी अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। धन्यवाद भाई। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।